तो भाई लोग बात करते हैं विश्व के एक ऐसे इकलौते मुल्क के बारे में जहां शादियों के नाम पर हुतियापा सबसे ज्यादा चरण पर होता है, जहां दूल्हे को घोड़ी की जगह गधे पर बिठाया जाता है और दुल्हन को ज्वेलरी की जगह टमाटर से सजाया जाता है, जहां 16 साल की लड़की का निकाह जबरदस्ती 70 साल के बंदे से करा दिया जाता है, तो कभी 20 साल की लड़की खुद अपनी मर्जी से 60 साल के बंदे से निकाह कर लेती है। तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, फ्रूट के फ्रूट में क्या लेकर आऊं। और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। भाई इस बंदे को देखकर पाकिस्तान के युवा लौंडे भी कह रहे होंगे, अरे इसमें से कौन से गुण है जो मेरे में नहीं है। भाई ये वो देश है जहाँ पहली बीवी अपने पति के लिए दूसरी बीवी ढूंढ कर लाती है। मैं अपनी कजन के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं अपनी कजन के पास आ गई और मेरी कजन ने ना अपने हस्बैंड के साथ मेरी शादी कर दी। इसे कहते हैं किस्मत, भैया के पास दो दो, हमारे पास एक भी नहीं। और दूसरी बीवी अपने पति के लिए तीसरी बीवी। जब इनसे दूसरी शादी होगी तो आपने फिर तीसरी की ज्यादा दे दी इनको? हाँ जी बिल्कुल दे दी। राम राम, ये पत्नी है कि पनौती है। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता, इस सब के बाद भी तीनों बीवियाँ मिलकर अपने पति के लिए चौथी बीवी की तलाश में निकल पड़ती है। पहली बीवी ने दूसरी बीवी ने तीसरी बीवी और तीनों बीवियाँ मिलकर अब एक चौथी बीवी भी इनके लिए तलाश कर रही है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। भाई ये तो कुछ भी नहीं, इस बंदे ने तो शादियों के नाम पर सारी हद ही पार कर दी। इस बंदे ने तो 4 छोड़ो 5 छोड़ो 7 7 शादियां कर रखी हैं और साथ में बंदे के 21 बच्चे भी हैं। कितने बच्चे थे? 21 शादियां की नहीं की थी यहाँ 7 तो। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? मेरी तो भाई ये समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तान में अचानक से लड़कियों की संख्या में इजाफा हुआ है या लड़कों की संख्या में कमी, जो एक एक बंदे को 3 3 4 4 बीवियां रखनी पड़ रही हैं। भाई पाकिस्तान में शादियों की बकचोदी देखकर हालत ये हो गई है कि वहाँ के होटल गेस्ट हाउस मैरिज हॉल ने तक नए नए तरीके के ऑफर प्रदान करना तक शुरू कर दिया है। दूसरी शादी पर 50%, तीसरी शादी पर 75% और चौथी शादी का वलीमा बिल्कुल मुफ्त। भाई यही कारण है कि शादी वाले दिन अन्य देशों के मुकाबले पाकिस्तान के दूल्हे कुछ ज्यादा ही खुश नजर आते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका शादी होगा पाकिस्तान में। भाई मैं तो सलाम ठोकता हूँ उन पाकिस्तानी लड़कियों को जो एक बंदे की 3 4 बीवियां होने के बावजूद भी अपने आप को उनके बीच एडजस्ट कर लेती हैं और उफ तक नहीं करती, और साथ ही 5वीं शादी पर भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है तानू 3 गवावां दी मौजूदगी दे विच अपना 5वां निकाह कबूल है। मौलवी साहब अगे कदी तानू ना कीती है। मतलब भाई शादी के लिए इतना कॉन्फिडेंस लाती कहाँ से है ये? साला शादी ना हुई टट्टी हो गई, जब मन में आया कर ली। भाई इन पाकिस्तानी लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का कौन है क्या है, बस इन्हें एक चीज से मतलब होता है और वो है शादी। बस बंदा पैसे वाला होना चाहिए, उसके बाद तो इन्हें कोई भी चलेगा, चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान, बड़ा हो या छोटा, अफ्रीकन हो या चाइनीज, अंडरवर्ल्ड का भाई हो या रिश्ते में भाई। ये बता रही थी जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कजन है, उन्हें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे भाई? पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। सुना भाई लोग, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। पोरकियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिससे शादी होने जा रही वो रिश्ते में बुआ मौसी चाची बहन भतीजी कौन लगती है। पाकिस्तानी लोंडो का तो सिर्फ यही मानना है, हमें बस लेने से मतलब है कोई भी दे। और भाई पाकिस्तानी दूल्हे, उनका तो भाई शादी वाले दिन अलग ही स्वैग होता है। दूल्हे को शादी वाले दिन कुछ इस अंदाज में सजाया जाता है कि दूसरे तो छोड़ो, अगर दूल्हा अपने आप को आईने में देख ले तो खुद को ही पहचानने से इनकार कर दे। मतलब भाई बंदा दूल्हा कम सेंटा क्लॉज ज्यादा नजर आ रहा है। भाई फेस तो छोड़ो, दूल्हे को देखने के लिए सहरे में इतनी जगह भी नहीं दी जाती कि वो थोड़ा बहुत सामने देखकर आगे बढ़ सके। जितनी ज्यादा दूल्हे की लंबाई उतना ही बड़ा सहरा। दूल्हे की हालत ये हो जाती है कि वो खुद के सहारे नहीं दूसरों के भरोसे चलता है और फिर रिजल्ट लेकिन भाई पाकिस्तानी बराते इतने भरोसे वाले होते हैं कि अगर दूल्हे के सर पर सहरा भी ना हो तब भी वो दूल्हे का साथ कभी नहीं छोड़ते, बल्कि दूल्हे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में जी जान लगा देते हैं। नो 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 नो
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तानी शादियों में लोग दूल्हे की शादी कराने आते हैं या दूल्हे का काम तमाम कराने। मतलब जहाँ 4 लोगों की जरूरत नहीं होगी वहाँ 40 बंदे साथ होंगे, और जहाँ 4 लोगों की जरूरत होगी वहाँ कोई नहीं होगा। अब इस भाई को ही देख लो, बारिश के पानी से भरी सड़कों के बीच खराब गाड़ी में खुद से ही धक्का लगा रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर घरवाले और रिश्तेदार कहाँ हैं सारे। तो भाई लोग इसका सीधा जवाब है, पाकिस्तानी शादियों में अगर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है तो वो दी जाती है खाने को, ना कि दूल्हा दुल्हन को। जहाँ फ्री का खाना वहाँ लोग, पाकिस्तानी लोग खाने के लिए इस कदर पागल रहते हैं कि रिश्तेदार तो छोड़ो, उनके खुद के घरवाले तक खाने के आगे दूल्हा दुल्हन को छोड़ कर चले जाते हैं। भाई जान रोटी खुल गई है। अरे भाई खाना तो बहुत बड़ी चीज हो गई, इनके आगे मिठाई से भरी प्लेट भी रख दो तब भी ये उस प्लेट की ये हालत कर देते हैं। ये तो भाई सिर्फ पाकिस्तानी शादियों में शुरुआत है, असली खेल तो तब शुरू होता है जब बारातियों के लिए खाने की शुरुआत होती है। पाकिस्तानी आवाम खाने पर ऐसे टूट कर पड़ती है मानो शादी में खाना खाने के लिए नहीं जंग लड़ने आए हो। नो 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 कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई पाकिस्तानी शादियों में खाना खाने के लिए सिर्फ इनविटेशन की ही नहीं, इनविटेशन के साथ साथ जरूरत पड़ती है फूर्ती, हौसले और ताकत की। जिसने जितनी ज्यादा फूर्ती दिखा दी उसको उतना ज्यादा खाना मिल जाता है। बाकी ढीला ढाला इंसान खाने तक तो दूर, भीड़ की वजह से खाने के स्टॉल के पास तक नहीं पहुँच पाता, उससे पहले ही खाना खत्म हो जाता है। लोग शादियों में खाना खाने के लिए इतनी बेसब्री से इंतजार करते हैं जैसे पैदा होने के दिन से पहली बार खाना खाने जा रहे हों। इन भुक्कड़ लोगों की वजह से पाकिस्तान में हालत ये हो गई है कि शादी के दौरान खाने के स्टॉल के पास एक बंदा स्पेशली इसलिए लगाया जाता है ताकि बारातियों से ये कह सके, ओए 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 ओए, स्लोली, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।